सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल. मैटर इन सराउंडिंग के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटेंट हीट. अब देखो, जो हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th क्लास में, और कई बच्चों को ये समझ भी नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है. यहाँ पे जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल अप्रोच से, हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट अप्रोच से करेंगे भी. क्लियर? टॉपिक वैसे तो बिल्कुल बेसिक है, बट कई बच्चों को समझ नहीं आता, तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे ताकि आपको डायरेक्टली क्या है समझ आए. क्लियर? अब देखो, लेटेंट हीट, पहले हम इसके एग्जांपल्स करेंगे. एग्जांपल्स के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो लेटेंट हीट होती है वो एक्चुअल में होती क्या है. क्लियर? ओके. अब देखो, मैं वोटर का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, वोटर है. जो हमें पता है कि पहली बात हमें पता होना चाहिए कि जो वोटर है, वोटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. और जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है? वो 100 डिग्री सेल्सियस है. मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है. क्लियर? अब देखो, अगर मेरा जो वाटर है वो लेट्स से कि -10 डिग्री पे है, अगर H2O है वो, अगर -10 डिग्री पे है, देखो अगर -10 डिग्री पे होगा तो उसकी स्टेट क्या होगी? किस स्टेट में वो होगा? सॉलिड स्टेट में होगा वो. किस स्टेट में वो होगा? सॉलिड स्टेट में वो होगा, इन मतलब वो आइस हो गए, मतलब जो वाटर होगा हमारा वो आइस की फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट होगा. क्लियर? अब जैसे हमने इसको हीट दी, जैसे हमने क्या किया, इसको हीट दी, हीट देने पे क्या होगा? इसका टेम्परेचर राइज होगा. इसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा. ये टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री पे. टेम्परेचर क्या आ गया? ये 0 डिग्री पे आ गया यहाँ पे. ठीक है, ओके. अब देखो, 0 डिग्री पे क्या होगा? अब कई बच्चों को डाउट होता है कि सर 0 डिग्री पे क्या होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, क्या होगा 0 डिग्री पे? ठीक है, ओके. चलो अभी तक इसमें सस्पेंस बनाते हैं कि यहाँ पे होगा क्या. मैंने इसको और हीट दी. देखो, मैंने यहाँ पे 10 -10 डिग्री था, मैंने इसको हीट दी. हीट देने पे बाद कहाँ पहुँच गया वो? 0 डिग्री पर जस्ट वो पहुँचा ही, अभी 0 डिग्री पर जस्ट वो आया ही है. क्लियर? मैंने इसको और हीट दी, और हीट देने पर क्या हुआ? वो अभी भी 0 डिग्री पर ही रहा. और हीट देने पर भी क्या हुआ? ये 0 डिग्री पर ही रहा. ठीक है, ओके. उसके बाद मैंने इसको और हीट दी, लेट्स से कि और हीट देने पे ये 25 डिग्री सेल्सियस पे चला गया. और हीट देने पे क्या हुआ? 25 डिग्री सेल्सियस पे ये चला गया. देखो, यहाँ पे ये सॉलिड था, आइस की फॉर्म में था, तो जैसे हमने इसको हीट दी, हीट देने पे क्या हुआ? ये जस्ट जीरो पे आया ही है, ये जस्ट जीरो पे आया ही है. तो अभी भी क्या रहेगा? ये आइस की फॉर्म में रहेगा, जस्ट आया ही है अभी 0 डिग्री पे. ठीक है, अब मैंने इसको और हीट दी. अब और हीट देने से क्या होगा? जो आइस है ना, आइस सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी कहाँ पर? वाटर में. सारी की सारी जो आइस है वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर. मतलब ये तो यहाँ पे था सॉलिड फॉर्म में, और ये जो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. क्लियर? ओके. अब जैसे मैंने लिक्विड फॉर्म में इसको और हीट दी, और हीट देने पे क्या चला गया? इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और ये अभी भी क्या रहा? लिक्विड फॉर्म में रहा, और ये वाटर के फॉर्म में रहा है ये. ठीक है, देखो पहले था -10 डिग्री पे, सॉलिड फॉर्म में था, मैंने इसको हीट दी. हीट देने पे जो -10 से टेम्परेचर बढ़ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, और जो सॉलिड था तो अभी भी सॉलिड रहा. मैंने इसको और हीट दी, और हीट देने पे क्या हुआ कि जो आइस है, आइस वाटर में कन्वर्ट होगी. देखो होता क्या है, कई बच्चों को डाउट आता है कि सर 0 डिग्री पे क्या होगा? आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर वो वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब वो सॉलिड स्टेट में होगा या फिर वो लिक्विड स्टेट में होगा. देखो मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री पे जो हमारा H2O है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों के ही स्टेट में रहता है, इक्विलिब्रियम के अंदर रहता है, दोनों स्टेट में रहता है. वो सॉलिड फॉर्म में भी होगा, वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा. अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 में क्या होगा? 100 में हमारा लिक्विड भी होगा, और हमारा 100 में उसके वेपर्स भी होंगे, गैसीय स्टेट में भी होगा. ऐसे ही 0 पे सॉलिड फॉर्म में भी होगा और वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा. ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे -10 से जैसे टेम्परेचर 0 पे आया, देखो जैसे ही -10 से 0 पे आया तो यहाँ पे तो क्या हुआ? ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, जस्ट 0 पे अभी आया ही है. तो जैसे ही जस्ट 0 पे भी आया, हमने इसको और हीट दी, और हीट देने से क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. और हीट देने से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जबकि इसकी जो स्टेट है ना, स्टेट चेंज हो जाएगी. जो इसकी स्टेट है, स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. देखो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, यहाँ से जब यहाँ पे गए तो टेम्परेचर बढ़ गया है, यहाँ से यहाँ पे गए टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बट जबकि जो स्टेट है, स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गई है. और जब यहाँ से यहाँ पे आए हैं तब भी टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया. पर जो स्टेट है, स्टेट क्या रही है हमारी? सेम रही है. स्टेट क्या रही है? सेम रही है. तो जो लेटेंट हीट होते हैं ना, इसको यहाँ पे जो हमने हीट दिया ना, यहाँ पे जो हमने हीट दिया, इस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट. इस हीट को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे. लेटेंट हीट वो हीट होती है जहाँ पर जब हम स्टेट चेंज करते हैं, जहाँ पे स्टेट चेंज करने में हेल्प मिलती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट.
अब देखो लेटेंट हीट केस में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। अगर हम नॉर्मल हीट दे रहे हैं, जैसे आपने अगर आपने स्टोव के ऊपर, बर्नर के ऊपर आपने कुछ कैटल में पानी रख दिया, तो आपने बर्नर को ऑन कर दिया, बर्नर ऑन करने से क्या होगा, आप उसको हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज़ हो रहा है, ठीक है। हीट देने पे टेम्परेचर राइज़ होता है, बट हर बार नहीं होता। जब हमारी जब मेल्टिंग पॉइंट आता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट आता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हीट देने पे हमारा टेम्परेचर राइज़ नहीं होता, जबकि जो स्टेट है ना, स्टेट चेंज हो जाती है, और उसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। वो हीट जहाँ पर स्टेट क्या हुई, चेंज हुई, और टेम्परेचर क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ये कब होगी, मेल्टिंग पॉइंट पे और बॉइलिंग पॉइंट पे होगी। सेम बॉइलिंग पॉइंट पे रहेगा कि लेट्स से कि जो हमारा वाटर है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, मैंने इसको और हीट दी, और हीट देने से लेट्स से कि वाटर कहाँ चला गया, 99 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, और हीट देने से कहाँ चला गया, 99 डिग्री सेल्सियस पे ये चला गया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे और हीट दी, और हीट देने पे 99.9 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, मैंने इसको और हीट दी, और हीट देने पे ये क्या हुआ, 99.999 डिग्री सेल्सियस पे चला गया ये, ठीक है। अब अगर मैंने, अब इसको मैं और हीट दूंगा, और हीट देने पे लेट्स सी कि जो हमारा वाटर है, वाटर हमारा चला गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो हमारा वाटर वो कहाँ चला गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, ठीक है। अब मैंने इसको और हीट दी, और हीट देने में भी अभी भी कहाँ रहा ये, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहा। मैंने इसको और हीट दी, और हीट देने पे लेट्स से कि ये 101 डिग्री सेल्सियस पे ये चला गया यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। और अगर जस्ट 100 पे अभी आया ही है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा यहाँ पे। अब क्योंकि 100 पे क्या हो गया, अब ये भी 100 पे है, हमने इसको और हीट दे दी। अब जो यहाँ पे हमने हीट दी है, इस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे लिक्विड से कहाँ चला गया, ये गैसियस स्टेट में चला गया, लिक्विड से कहाँ चला गया, ये गैसियस स्टेट में चला गया। अब दोबारा हमने इसको हीट दी, तो अभी भी कहाँ रहेगा, ये गैसियस स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पे जो हमने हीट दिए, यहाँ पे हीट दिए, यहाँ पे हीट दिए, ये हीट तो है नॉर्मल, यहाँ पे भी हीट दिए, ये हीट है नॉर्मल, बट जो यहाँ पे हमने हीट दी है, जहाँ पे इसके लिक्विड से कहाँ चला गया, गैसेस स्टेट में चला गया, इसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट बोलेंगे, क्लियर। इसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट, वो हीट जो हमें स्टेट चेंज करने में हमें हेल्प करती है, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड जाएंगे या फिर लिक्विड से कहाँ जाएंगे, गैसेस स्टेट में जाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे, क्लियर। समझ आ गया कंसेप्ट। तो लेटेंट हीट क्या है, देखो कंडीशन क्या याद रखनी है, कंडीशन ये है स्टेट चेंज होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, स्टेट चेंज होगी और टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे, क्लियर। ओके, डेफिनेशन क्या होगी इसकी लेटेंट हीट की, डेफिनेशन होगी द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड The heat energy which has to be supplied to change the state is called latent heat. कि वो heat energy, the heat energy which has to be supplied, वो heat energy जो हमने supply की है to change the state is called latent heat. उसको हम क्या बोलेंगे, latent heat बोलेंगे, clear? अब हमें पता है कि कंडीशन इसकी क्या होगी, द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द हीट चेंज, जो भी हम ड्यूरिंग हमारी स्टेट चेंज होगी उस केस में क्या रहेगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, क्लियर। ओके, अब देखो इसको हम ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन हीट, इसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं। देखो हिडन हीट इसलिए बोलते हैं इसको, देखो अगर हम नॉर्मल हीट दे रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो टेम्परेचर राइज होगा, बिल्कुल राइज होगा, ठीक है। बट अगर वहाँ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट पे अगर हम उसको हीट दें, या फिर हम उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हम उसको हीट दें, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होगा, जबकि वहाँ पे स्टेट चेंज होगी, ठीक है। तो ये स्पेशल केस हो गया हीट का, जहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए हमने उसको क्या बोला, हिडन हीट बोला, कि हमें वो हीट दिख नहीं रही कहीं पे,
क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है। हम हीट को कब ऑब्जर्व करते हैं, जब जहाँ पर जो टेम्परेचर है टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है, और जहाँ पर अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज ना हो उस हीट को हम क्या बोलेंगे, हिडन हीट बोलेंगे। तो लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमने हीट दी है, हीट से टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, तो वो हीट जा कहाँ रही है? जो वो हीट है, हीट से टेम्परेचर तो हमारा कॉन्स्टेंट है, वो हीट जा कहाँ रही है? देखो जो हीट है ना, वो हीट हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रही है, ओवरकम कर रही है। क्योंकि जैसे हमारा सॉलिड है, सॉलिड से कहाँ जाएगा, लिक्विड स्टेट में जाएगा। अब सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो जो वो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट क्या कर रही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना सॉलिड की, उसको कम कर रही है, ओवरकम कर रही है उसको। क्लियर? सो हम क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। कि जो हमारी लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट का एक्चुअल काम क्या होता है, लेटेंट हीट का काम होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो लिक्विड में जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हीट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है, कम करती है। ठीक है, ऐसे हमारा लिक्विड से कहाँ जाएगा, वो गैसियस स्टेट में जाएगा। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, गैसियस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे ओवरकम कर रही है। क्लियर? तो लेटेंट हीट का काम ये है। समझ आ गया लेटेंट हीट? कि जब हमारा एग्जाम्पल हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे वाटर है, वाटर हमारा क्या है, 0 डिग्री पे अगर वो आइस के फॉर्म में है, उसको हमने हीट दी, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री पे ही रहा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा वाटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो हमने हीट दिया ना, हीट, उसी हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। यहाँ पर जो हमने हीट दी उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। सेम ये हमारा केस लगेगा वेपर से केस में, कि H2O है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस है, हमने उसको क्या दिया है, हीट दिया है। जो हमारा वाटर है H2O, कहाँ जाए, वो भी अभी भी 100 डिग्री पे है, बट ये तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है, ये यहाँ पे गैसेस स्टेट में चला गया। तो इस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। इस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। जहाँ पर जो हमारे स्टेट चेंज हो रहे हैं, स्टेट चेंज करने में हमें हेल्प कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। क्लियर? समझ आ गया लेटेंट हीट? ओके, देखो ये तो थी लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट फर्दर दो टाइप की है, लेटेंट हीट फर्दर दो टाइप की है। एक तो हम करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक हम करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक तो हम करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक हम करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? देखो फ्यूजन का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट क्लास में, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। हमने किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम मेल्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो नाम से अंडरस्टूड है कि जो हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में जाएगा तो क्या होगा, वो मेल्ट होगा। तो सॉलिड से जब वो लिक्विड जाएगा और वो मेल्ट होगा, उस केस में जो हीट लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। क्लियर? ओके, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड सब्सटेंस टू सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज एनी टेम्परेचर, विदाउट चेंज एनी टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि वो अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, और किस पॉइंट पे करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे करते हैं। जैसे वाटर का केस में तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, विदाउट चेंज एनी टेम्परेचर, वहाँ पर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट थी वो जनरलाइज थी,
उसमें हमने उसको दो कैटेगरी बना दी, फ्यूजन और वेपराइजेशन. फ्यूजन जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो हम उसमें हम उसको स्पेशल नाम देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. जब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा तब हम उसको स्पेशल नाम देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्लियर. अब जैसे वही है, वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है और वो आइस की फॉर्म में है. हमने इसको हीट दी, हीट देने में जो हमारा H2O वो कहाँ चला गया, अभी भी 0 डिग्री पे है बट वो वाटर के वाटर बन गया वो. ठीक है, तो इसी हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे. जो ये है इसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच ऑफ एफ यू एस. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच ऑफ एफ यू एस. डेल्टा हीट चेंज इन हीट. ठीक है, एफ यू एस का मतलब क्या, फ्यूजन है, डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे. क्लियर. ओके, अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि चलो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये मत सोचना कि सिर्फ वाटर के लिए बात करें. कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो अगर हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट लगती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, ओके. अब वाटर केस में हमें थोड़ी वैल्यू याद भी करनी पड़ सकती है, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, पर एक वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी. जैसे अगर लेट्स से कि मैं 1 ग्राम वाटर ले रहा हूँ, मैंने क्या लिया, 1 ग्राम वाटर लिया मैंने इसके अंदर, क्या लिया, 1 ग्राम हमारा हमने मैंने वाटर लिया इसमें. ठीक है, वाटर इन द सेंस कि मैंने ये आइस की फॉर्म में लिया, जो 1 ग्राम मैंने आइस लिया. ठीक है, अब 1 ग्राम मैंने आइस लिया, मैंने क्या किया, इसको हीट किया. हीट करने में जो आइस आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया. कितनी लिया मैंने, 1 ग्राम. क्या है ये, इतना ही 1 ग्राम आइस है और यहाँ पे क्या बन गया हमारा, 1 ग्राम वाटर बन गया. ठीक है, ओके. अब देखो यहाँ पर हीट कितनी लगेगी, यहाँ पे जो हीट लगेगी वो लगेगी 80 कैलरी. यहाँ पे जो हीट लगेगी वो कितनी लगेगी, 80 कैलरी लगेगी. 80 कैलरी हमें इसको हीट देनी पड़ेगी, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी. 80 कैलरी हम इसको हीट देंगे आइस को, तो 1 ग्राम आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो जो हमारी डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन कितनी आएगी, 80 कैलरी पर ग्राम. 80 कैलरी पर ग्राम मतलब 80 कैलरी हम उसको हीट देंगे 1 ग्राम आइस को, 1 ग्राम जो आइस है हमारी वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे. क्लियर, ओके. चलो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं. कैलकुलेट डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन फॉर ऑफ लेट्स से कि 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ऑफ आइस, मतलब वो जो हमारा H2O है वो आइस की फॉर्म में है. हमें डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी है अगर हमारे पास जो आइस है ना वो 500 ग्राम है. ठीक है, ओके. हमें पता है कि 1 ग्राम के लिए कितनी हीट चाहिए, 80 कैलरी. 1 ग्राम के लिए कितनी हीट चाहिए, 80 कैलरी चाहिए. 500 ग्राम के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, 80 इंटू में क्या कर देंगे हम, 500 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 40,000 कैलरी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 40,000 किलो कैलरी. 40,000 किलो कैलरी हमें पता है कि 1 किलो के अंदर कितना आएगा, 1,000. जैसे 1 किलोग्राम तो 1,000 ग्राम. ठीक है, तो 40,000 कैलरी था, इसको हम लिख दें 40 किलो कैलरी. तो ऐसे हमने सॉल्व करना है, 1 ग्राम के लिए 80 कैलरी चाहिए, तो जितने भी ग्राम हमें गिवन है उससे क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही कैलरी हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, ओके. देखो ये जो वैल्यू है, ये तो वैल्यू है हमारी कैलरी में और ग्राम के अंदर. एक वैल्यू और याद रखनी है हमें, वो हमें याद रखनी है जूल के अंदर इन, क्योंकि जो हमें पता है कि जो हमारी हीट होती है वो जूल में भी हम बात करते हैं. ठीक है, तो डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन जूल में कितनी होगी, वो होगी 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी. 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी, कि इतने अमाउंट में हीट चाहिए जूल के अंदर कि 1 केजी जो हमारा जो आइस आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. क्लियर, ये जो हमारी वैल्यू है वो जूल पर केजी में है. मतलब 1 केजी अगर हमारे पास आइस है तो उस केस में हमें 3.34 × 10⁵ जूल हीट की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, वैसे जितने में भी हमें निकालनी है उससे हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अभी के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज आपको कितनी वैल्यूज हम याद करनी है, एक सिर्फ ये वैल्यू याद रख लो 80 कैलरी पर ग्राम. ठीक है, बाकी तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये वैल्यूज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट अगर हम NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पोर्शन जो NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. तो बाद में जब हम NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, CBSE करने के बाद,
तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम इसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे ये कैसे आई, इसको हम कन्वर्ट भी करेंगे इसमें, क्लियर। तो 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट करना है वाटर में, कितनी हीट चाहिए, 80 कैलोरी हीट चाहिए। अगर हम जूल की बात करें तो 1 kg अगर हमें आइस को कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट चाहिए, 3.34 × 10⁵ जूल हीट चाहिए वहाँ पे, क्लियर। तो ये होगी हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही हमारे पास एक आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या आएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अब देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, वेपराइजेशन क्या होता है, जब हम लिक्विड से कहाँ जाएंगे, गैसियस स्टेट में जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। सो जितने अमाउंट में हीट लगेगी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्लियर। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, कि जितने अमाउंट में हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट करेंगे, गैसीय सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे करेंगे, जैसे वाटर केस में 100 डिग्री है, ठीक है, ओके, और वहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच ऑफ वी ए पी, डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्लियर। वही जैसे कि हमारा वाटर है, अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, हमने इसको हीट दी, कहाँ चला गया ये, 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, यहाँ पर भी ये लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पर भी क्या है, लिक्विड स्टेट में, बट जैसे हमने इसको और हीट दी, और हीट देने पे क्या हो गया, अभी भी ये 100 डिग्री पे रहा, बस बट अब ये गैसियस स्टेट में चला गया, इसके वेपर बन गई, ये स्टीम फॉर्म में चला गया। तो यहाँ पे जो हीट लगी है उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्लियर, ओके। अब देखो इसकी भी हमें कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, एक वैल्यू इसकी भी याद है, ठीक है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वाटर की, वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम, मतलब अगर हमें 1 ग्राम वाटर को कन्वर्ट करना है, उसके वेपर में बनाने, उसके हमें स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब लिक्विड को हमें गैसेस में कन्वर्ट करना है 1 ग्राम वाटर को, तो वहाँ पे 540 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी थी, 80 कैलोरी पर ग्राम, ये कितनी है, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। जैसे अगर हमें हमारे पास 500 ग्राम वाटर है और हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो हमें पता है कि 1 ग्राम के लिए कितनी है, 1 ग्राम के लिए है 540 कैलोरी, और 500 ग्राम के लिए कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 540 × 500, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर आप इसको करवा, इसको अगर हम किलो कैलरी बनाएंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 270 किलो कैलरी, ये कैलरी है, ये कितना आएगा, 270 किलो कैलरी आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें 1 ग्राम के लिए 540, कितने भी ग्राम के लिए निकालने तो क्या करना, हमें 540 से इसको मल्टीप्लाई करना है, क्लियर, ओके। अगर हम इसको जूल्स में बात करें, इन टर्म्स ऑफ जूल, अगर हम जूल में बात करें तो जूल में कितनी होगी, ये होगी हमारी डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू 5 जूल पर केजी, 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी,
एक केजी अगर हमें उसको कन्वर्ट करना है वाटर को, तो कितनी हीट चाहिए? 22.5 इंटू 10 एस टू पावर 5 जूल पर केजी, इतनी हीट हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? तो अगर हमें एक केजी के लिए है 22.5, हमें जितने भी केजी के लिए निकालनी है हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसके इसको मल्टीप्लाई करना है। एक केजी के लिए इतनी है, बाकियों के लिए कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स मैं आपको ज़्यादा नहीं दे रहा, अभी आप सिर्फ इतना कर लो, बाद में जैसे हम इसकी चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको 80 ग्राम आइस है, 80 ग्राम आइस को आपने इसकी हीट निकालनी है, लेटेंट हीट, इसकी जो लेटेंट हीट है वो आपने कैलरी में भी निकालनी है एंड आपने इसकी जो हीट है वो जूल में भी निकालनी है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 80 ग्राम वाटर है, उसमें कितनी हीट चाहिए उसको गैसीय स्टेट में लेके जाने के लिए, उसके आपने कैलरी में भी निकालना है और उसको आपने जूल में भी निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन ये आपने करना है। बाकी जो इसके बेस पे जो प्रैक्टिस है वो हम आगे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बेस पे प्रैक्टिस हम करेंगे। क्लियर?